कोस्टल वार्डन का जो सिलेबस है, आप लोगों ने अभी तक जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस देख लिए होंगे, उनके बारे में पढ़ लिया होगा। अभी जो हम लोग करेंगे, हम लोग इंग्लिश का सिलेबस देखते हैं। इंग्लिश के ग्रामर जो उसका सिलेबस मेंशन है, ठीक है, देखो मेंशन है ऐसे नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। देखो ना, ये तीन अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये वाला जो है ये आपके बेसिकली क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये आपका टेंस, वॉइस एंड नरेशन वाला है, ठीक है, और ये है आपका वोकैबुलरी सेक्शन। तो वोकैबुलरी सेक्शन, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और स्पेलिंग्स, ठीक है। तो ये तो ऐसा सेक्शन है जिसको अल्टीमेटली आपको याद करना ही पड़ता है। याद करने का तरीका बस बता सकती हूँ, याद नहीं करवा सकती, वो आपको खुद ही करना होता है, ठीक है। डिस्कस करेंगे इसको भी आगे आने वाले सेक्शंस में। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो देखो, हम लोग उतने ही टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जो मैं ये लेके आई हूँ, ये आपको हॉस्टल वार्डन का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें आपको ये समझा रहे हैं कि कहाँ पे कैसे आपको पेपर आता है। देखो इसके पेपर्स मैं दिखा दूँ, ये 2016 के हॉस्टल वार्डन का पेपर है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आएंगे आपको इस सेक्शन से। अभी हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एट द एंड, ठीक है। ये हमारा टेस्ट पेपर जैसा हो जाएगा कि जब हमने पूरा पेपर सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है ये चेक कर सकते हैं अपन इसके थ्रू, ठीक है ना। चलिए देखो ये क्या है, एक स्टेटमेंट, इसमें चार पार्ट, चारों में एरर दिखा रहा है। आपको ये पूछ रहा है कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, एरर डिटेक्शन है। देन ये देख लीजिए ये क्या है, ये दिखता भले मैच द फॉलोइंग है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बोल रहे हैं आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इसके लिए ऑप्शंस देख करके। देन ये देखो ये क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विच एक्सप्रेसेस द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन इन बिलो इन पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक्टिव वॉइस है, हाँ, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर देखिए फिर क्या बोल रहा है, ये भी अगेन एरर डिटेक्शन है। चार स्टेटमेंट की पार्ट्स दिए हुए हैं और उसके बाद आपको पूछा है किस पार्ट में, पार्ट ए में, बी में, सी में, डी में, किस में एरर है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिनोनिम, सिनोनिम बोल रहा है, फिर क्या पूछ रहा है, अगेन यहाँ पे भी देखो एरर वाले हैं। देखो यहाँ पे खाली बस लैंग्वेज को चेंज किया हुआ है, ठीक है। अब इसके पहले वाले बोल रहा था, देखो क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शंस में से करेक्ट चीजों को आपको स्टेटमेंट करेक्ट करना है। अल्टीमेटली ये वही है, लैंग्वेज दूसरा है। पहले वाले में क्या बोल रहा था, विच पार्ट हैज एरर, अब इसमें ऑप्शन में बोल दिया है पार्ट ए हैज एरर, पार्ट बी हैज एरर, पार्ट सी हैज एरर, इसको आप बता दो। नेक्स्ट अगेन फिल इन द सॉरी मैच द कॉलम, बट ये मैच द कॉलम किसका है, ये है ऑपोजिट इन मीनिंग का। ऑपोजिट मीनिंग मतलब आपके एंटोनिम्स का, ठीक है। फिर देखो फिर क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, चार स्टेटमेंट दिया हुआ है, चार में से कौन सा करेक्ट है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किसी न किसी में बाकियों में एरर होगा, आपको देखना है किसमें एरर है किसमें एरर नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, सबसे अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे एरर क्या है, उसको कैसे सुधारना है, ये नहीं पूछा है। कहाँ पे एरर है, कौन सा गलत लग रहा है, कौन सा गलत है, बस इतना पूछ रहा है, ठीक है। तो गलती निकालने में तो सब माहिर हूँ, गलतियां तो कहीं भी निकाल लोगे, सुधारना बस नहीं आता, गलतियां तो कभी भी निकाल लोगे। आ जाइए अब ये है, चूज अ स्टेटमेंट इन विच देयर इज नो एरर, ठीक है, सेम चीज वही है, करेक्ट ही पहचानना, जिसमें एरर नहीं है वही करना है। अब आप में यहाँ पे देख सकते हो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स में एरर नहीं होंगे, ऑप्शंस के हिसाब से आपको जाना है, ठीक है। ये था 2016 का पेपर। आगे 2017 में देखोगे तब भी उसमें ऐसा है, ये देखो ये भी आपका पूछा हुआ, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशन, फिर क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अच्छा ये वर्ब फॉर्म है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को आपको लगाना है, वर्ब के फॉर्म्स में आ रहा है क्वेश्चन। देन प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रेपोजिशंस, देन nearly same the meaning, that means यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, synonyms, फिर
देखो वॉइस वॉइस वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताया नहीं है इफ द वॉइस इज चेंज द सेंटेंस विल बी, अब यहाँ पे बताया नहीं है कि आपको कौन सा वॉइस दिया है और आपको क्या बनाना है। यू हैव टू डिसाइड विच वॉइस इज इन द सेंटेंस, क्वेश्चन सेंटेंस, एंड देन अकॉर्डिंगली अगर वो एक्टिव है तो पैसिव निकालना है, पैसिव है तो एक्टिव निकालना है। देन देखो क्या बोल रहा है, इफ द स्पीच इज चेंज, स्पीच देख के समझ में आ रहा है इन्वर्टेड कॉमास मतलब डायरेक्ट स्पीच, आपको उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ऑपोजिट इन मीनिंग, वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग मीन्स एंटोनिम्स, एंटोनिम्स बताने हैं। देन फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मतलब ए एंड द आपको लगाना है, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। फिर अगेन वॉइस, ठीक है। तो देखो वॉइस स्पीच नरेश ये सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सो विद दिस ये सारे थे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस, इनको हम लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों ने जो पढ़ लेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली हम कितना अप्लाई कर पाए अपने इस पे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अच्छा अब हम चालू करेंगे टॉपिक पे, ठीक है। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक पे नहीं डील कराऊंगी, क्योंकि हर एक टॉपिक को अगर हम पढ़ने जाएंगे तो फिर वहां पे बहुत लंबा सिलेबस खिंच जाएगा और जो हमारे काम का होगा भी नहीं, ठीक है। हम 500 स्पीच से शुरुआत करेंगे, बट हम उन्हीं चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे जिनसे हमारे पास क्वेश्चंस बन रहे हैं। बाकी चीजों को हमको देखना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ने वाले हैं, हम छोड़ने किसी को भी नहीं वाले हैं, पढ़ना हमें सब है बेसिक कंसेप्ट, क्योंकि एरर है, एरर में आपको क्या पता कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच से एरर दे दे आपको, ठीक है ना। तो पढ़ना हमको सब है, बट हमको मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और जिसको ज्यादा पूछ रहा है उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। हाँ यहाँ देखिए, हाँ हम शुरुआत करेंगे कहां से, हम शुरुआत करेंगे सेंटेंस से। हिंदी ग्रामर पढ़ चुके हो आप लोग, है ना, रिसेंटली हिंदी ग्रामर खत्म हुआ है आपका, तो हिंदी ग्रामर से ही रिलेट करके हम इंग्लिश ग्रामर को भी पढ़ेंगे। हिंदी में भी आप सेंटेंस को ऐसे ही पढ़ते हो वाक्य के रूप में, ठीक है। तो क्या होती है डेफिनेशन, किसको बोलते हैं सेंटेंस, व्हाट इज एक्चुअली अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words, a sentence is a group of words arranged in a proper format and which gives a definite मीन, ठीक है। देखिए ये है डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस किसको कहेंगे हम, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड विच गिव्स अ डेफिनेट मीनिंग, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तीनों ही एक सेंटेंस के डेफिनेशन के लिए, सेंटेंस के कंप्लीशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक तो ये कि सेंटेंस किसी एक सिंगल वर्ड से बनता है नहीं, देयर हैज टू बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वो भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट में होने चाहिए, दे शुड बी अरेंज प्रॉपरली, एंड दे शुड डिपिक्ट अ डेफिनेट मीनिंग, दे शुड डिपिक्ट अ डेफिनेट मीनिंग, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है। सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए अब देखो, अब हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो सेंटेंस में हम लोगों ने बात की, अब हम बात करेंगे अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा उसके पहले हम जो कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ये फॉर्मेट क्या होता है, व्हाट आर दी कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो सेंटेंस के जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बेसिक मूल मंत्र है आपके सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस के लिए ये तीनों कॉम्पोनेंट्स रहते हैं,
ठीक है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा अभी क्या होते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो देखो ये जो वर्ब है, ठीक है, वर्ब क्या होगा, जो एक्शन हो रहा है वो वर्ब है, the action that is being performed, जो काम हो रहा है वो वर्ब है, ठीक है। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं, क्रिया, क्या कहेंगे, क्रिया, क्रिया है ये, ठीक है। अच्छा कोई भी जो काम है अपने आप तो होगा नहीं, डेफिनेट है कोई ना कोई उसको करने वाला होगा, तो काम को करने वाला कौन होता है, सब्जेक्ट, इट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला, इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कर्ता, काम को करने वाला, ठीक है। अब कर देखो काम जो हुआ वो क्या है, वो क्रिया है, ठीक है। अच्छा काम को करने वाला कौन है, कर्ता है। अच्छा कर्ता द्वारा की गई क्रिया का इफेक्ट या असर भी तो कहीं दिखेगा, किस पे दिखेगा, वो दिखेगा ऑब्जेक्ट पे, किस पे दिखेगा, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन हो गया सर, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एनी एक्शन, और इसी को ही हिंदी में हम कह देते हैं कर्म, इसी को ही हम हिंदी में क्या कहेंगे, कर्म। तो कुल मिलाकर के क्या हो गया, ये है क्रिया, द वर्ब, द एक्शन दैट इज बीइंग परफॉर्म। फिर ये क्या है, उस एक्शन को करने वाला, सब्जेक्ट, डूअर ऑफ द एक्शन। फिर ये क्या हुआ, द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो कर्ता ने काम किया उसको इसने रिसीव किया, कर्ता द्वारा किए गए काम का इफेक्ट या असर किस पे मिला, मिला ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंटली जाननी जरूरी ये है, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना या ना होना जरूरी नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन जरूरी है किसका होना, सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, लेट अस टेक एन एग्जांपल। जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, हम एक सेंटेंस रखती हूँ, The bell is ringing, ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपका। अच्छा इसमें वर्ब क्या है, रिंगिंग, बज रहा है, क्या बज रहा है, क्या बज रहा है, बेल, बेल क्या है, सब्जेक्ट, कंप्लीट, ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, यस ये सेंटेंस कंप्लीट है। अच्छा अब इसी को ही मैं थोड़ा सा और ऐसे मॉडिफाई करूं, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, द प्यून इज रिंगिंग द बेल, अगेन यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करेंगे अपन, वर्ब क्या है, से रिंगिंग, रिंगिंग वर्ब है अपना, ठीक है। हु इज रिंगिंग, कौन बजा रहा है, हु इज रिंगिंग, प्यून इज रिंगिंग, ये क्या है, सब्जेक्ट, प्यून इज रिंगिंग व्हाट, क्या बजा रहा है, व्हाट का आंसर देगा, बेल, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, अच्छा चलो मैं कुछ और क्वेश्चन देती हूँ आपको। जैसे मैंने कह दिया I play chess daily. I read newspaper regularly. This is my favorite book. This is my favorite book. Fir practice
मेक्स अ मैन, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब देखो इतने सारे जगह पे आप लोगों ने सेंटेंसेस देखे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब सब्जेक्ट आई, वर्ब एम, टीचर ऑब्जेक्ट। दूसरे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट आई, वर्ब प्ले, प्ले वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो कैसे पहचानना है इसकी एक ट्रिक बता रही हूँ। देखो आप सेंटेंस में वर्ब पहचान लोगे, ठीक है, वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन करना है। क्या क्वेश्चन करोगे? वर्ब के साथ आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। वर्ब के साथ जब आप हू क्वेश्चन करोगे तो जो आंसर मिलेगा वो होगा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट, जैसे प्ले, हू प्लेस, आई प्ले, ठीक है। फिर इसी वर्ब के साथ क्वेश्चन करना व्हाट या हूम, ठीक है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे बाद में क्वेश्चन करेंगे। पहले मतलब उसके पहले, वर्ब के पहले लगा करके फिर वर्ब के बाद लगा करके इसमें जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो सो इजी टू अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे है वर्ब क्या है, तीसरे वाले में वर्ब है रीड, हू रीड्स, आई रीड, आई है सब्जेक्ट, आई रीड व्हाट, आई रीड व्हाट, व्हाट का आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो दिस इज माई फेवरेट बुक, सब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट, यहाँ देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंसेस में सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया आप सेंटेंस को समझना सीख जाएंगे, सेंटेंसेस को समझना सीख जाएंगे, और जब सेंटेंसेस को समझने लगेंगे तब उसको सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है आपसे, ठीक है, कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे आप। तो ये तो था कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। नो डाउट ये आपसे कोई सेंटेंस में कभी नहीं बोलेगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पहचान के दिखा दो, ठीक है, ये आपसे कोई नहीं बोलेगा। बट आपको पहचानना आना चाहिए ताकि आप चीजों को समझ पाए, वर्ड्स के यूजेज को समझ पाए। कोई भी रूल आप तभी लगाएंगे ना जब उसको पहचानेंगे, ठीक है ना। अगर आपको सेंटेंस में यही नहीं समझ में आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या है, बात किसकी की जा रही है, या वर्ब कौन सा है, तो ये भी आप नहीं समझ पाएंगे कि वर्ब के कौन से फॉर्म में आपको लिखना है उसको, किस टेंस में लिखना है उसको आपको, और क्या चेंज करना है उसमें आपने, ठीक है। तो इसीलिए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझना जरूरी है। तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे हमको सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, अभी हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने सेंटेंस को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किए? हम लोगों ने ये कहा कि देखो, ये देखो एक सेकंड, ये हम लोगों ने क्या कहा, व्हाट इज अ सेंटेंस, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर फॉर्मेट एंड गिव्स अ डेफिनेट मीनिंग। तो जब पहला चीज जो हम लोगों ने कहा, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप है, वर्ड्स का ग्रुप है, दैट मींस एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो एक से ज्यादा जो वर्ड्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं हर एक वर्ड का एक निश्चित काम है, निश्चित पर्पस है, कोई भी खाली फोकट नहीं होता है सेंटेंस में, ठीक है। जितने भी वर्ड किसी भी सेंटेंस में यूज हो रहे हैं उनका एक डेफिनेट मकसद है यूज होने के पीछे, डेफिनेट मीनिंग है यूज होने के पीछे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क दैट एनी वर्ड परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस, वी हैव कैटेगराइज्ड डिफरेंट वर्ड्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, एंड दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोला मैंने? दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, लिख लेते हैं डेफिनेशन। क्या बोला हमने? हमने कहा अकॉर्डिंग to the work that
एनी वर्ड परफॉर्म्स इन अ अकॉर्डिंग टू दी वर्ड दैट एनी वर्ड परफॉर्म्स इन अ सेंटेंस वी हैव categorized different words in different groups. These groups called as parts of speech. These words are called as, sorry, these groups are called as parts of speech. तो ये क्या काम कर रहे हैं? ये अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं. इनके कामों को हम देखते चलेंगे इनके नामों के साथ साथ में. तो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? बेसिकली देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. हाउ मेनी? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो हिंदी में आप शब्द भेद पढ़ते हैं ना, 8 शब्द भेद हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं. सेम इंग्लिश ग्रामर में भी 8 शब्द भेद है. ठीक है, चलो उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं. हाँ ये देखो, ये एक स्टेटमेंट है. क्या लिखा है? द बॉय येल्ड हेल्प एंड ही सॉ अ ब्रेव डॉग क्विकली रन टू द रेस्क्यू. ये एक स्टेटमेंट है. इस स्टेटमेंट में बहुत सारे वर्ड्स हैं और इसमें सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं. ठीक है, तो कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? एक काम करते हैं, एक बार 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक बार डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में इस पे आएंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन. नाउन इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. इसको हिंदी में हम कह देते हैं संज्ञा. क्या होता है नाउन? नाउन इज दी नेमिंग वर्ड. किसी भी चीज का नाम हो, चाहे पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, कंडीशन का, क्वालिटी का, किसी भी चीज का नामकरण संस्कार करना है, इनके पास चले जाओ. ठीक है, नामकरण संस्कार की दुकान इन्होंने ही खोल रखी है. नाउन, नाउन के पास जाओगे हर एक चीज का नाम मिलेगा. ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा भी है. अमन किसी पर्सन का नाम है, रायपुर किसी प्लेस का नाम है, ऑनेस्टी किसी क्वालिटी का नाम है. तो जिस भी चीज का नाम होगा नाउन होगा. कितने टाइप के नाउन होते हैं? 5 टाइप के. कौन कौन से? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. डिटेल में पढ़ेंगे इसको क्योंकि इसमें ही नंबर और जेंडर पढ़ना है. अच्छा, हिंदी में भी बता दो मेरे को. व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा. ठीक है, ये सारे टाइप्स होते हैं नाउन के. आएंगे फिर इसके ऊपर बाद में. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन. इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम सर्वनाम. क्या कहेंगे? सर्वनाम. ये क्या होते हैं? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. क्या होते हैं ये? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं. क्या करने के लिए यूज होते हैं? रिप्लेस. क्यों करना है रिप्लेस? ताकि नाउन के रिपीटेशंस को बचाया जा सके. हम बार बार एक ही नाउन को रिपीट करेंगे किसी भी पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, तो उसको बचाने के लिए उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं? उसको हम लोग प्रोनाउन से रिप्लेस करते हैं. है ना, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ. ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ तो मैं बार बार अपने अपना नाम थोड़ी ले रही हूँ. तो अपने नाम के लिए मैंने क्या यूज किया? मैं. आपका नाम रिप्लेस करना हो तो क्या बोलेंगे? यू. किसी लड़के का नाम रिप्लेस करना हो? ही. किसी लड़की का नाम रिप्लेस करना हो? शी. किसी नॉन लिविंग थिंग का रिप्लेस करना हो? ए. किसी ग्रुप का करना हो? दे. ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी नाम को रिप्लेस करना है, यानी कि नाउन को रिप्लेस करना है. अच्छा, अब जितने तरह के नाउन उतने तरह के रिप्लेसमेंट. तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन आते हैं.
ठीक है, वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है भी नहीं, ठीक है, तो हम उस पर नहीं आएंगे। अच्छा, हम जो इस पे आएंगे वो होता है केसेस पे। जैसे हम लोग नाउन में केसेस पढ़ते हैं ना, जो हिंदी में आप लोग पढ़ते हो, कारक कर्तानी कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वो जो पूरी कविता पढ़ते हो, सेम वही कारक इंग्लिश में भी होता है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, यही तीन इंपॉर्टेंट लिए। सब्जेक्टिव केस मतलब क्या, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। और पोजेशन बताने के लिए हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं। देखो मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखो नाउन की रेस्पेक्ट में तो कोई चेंजेस होते नहीं है। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल, तब समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला दी आर रिवॉल्व्स राउंड द सन, The earth revolves around the sun. ठीक है, अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रिवॉल्व्स वर्ब अर्थ सब्जेक्ट सन ऑब्जेक्ट। एक और स्टेटमेंट मैं लिखूं, The sun is the ultimate source of light on the earth. The sun is the ultimate source of light on the earth. अब यहाँ देखो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है sun की, तो sun बन गया subject, ठीक है, और यहाँ पे earth बन गया object, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मैं क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखो पहले स्टेटमेंट में जो सब्जेक्ट था वो दूसरे स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट बन गया, वही दूसरे पहले स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट था वो दूसरे सब्जेक्ट सेंटेंस में आके सब्जेक्ट का काम करने लग गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन नाउन के रेस्पेक्ट में कोई चेंजेस नहीं आता। जैसे आप प्रोनाउन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ही हेल्प्स मी इन every situation, he helps me in every situation, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये subject verb object, अब मैं इसी statement को passive form में लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, I am helped by him in every situation, ठीक है, I am helped by him in every situation। अब यहाँ पे देखो, ये I है गया subject, ये हो गया object, ठीक है। तो अब देखो, जब यहाँ subject का काम कर रहा था तो वो he लिखा गया था, लेकिन जब इस sentence में object बना तो क्या लिख दिए हम, him। यही चीज, जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था मी, जब उसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो क्या लिख दिया हम, आई, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट चेंजेस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। तो यही चीज वो बता रहा है, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार का जो नाउन या प्रोनाउन है, यदि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, और यदि वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। I hope this is clear now. तो चलो अब प्रोनाउन खत्म, प्रोनाउन के आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव, व्हाट इज एडजेक्टिव, इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण। क्या बोलेंगे, ये क्या काम करते हैं, ये विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं, इसकी विशेषता बताते हैं। नाउन की विशेषता बताने का जो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण। विशेषण दे क्वालिफायर्स हैं जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जो चीज जानने की जरूरत है वो है degrees of
कंपैरिजन, ठीक है, जब भी हम दो एंटिटीज की कंपैरिजन कर रहे हैं तो क्या क्या यूज करते हैं, देयर आर थ्री डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव, सेकेंड इज कंपैरेटिव, थर्ड इज सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब हम किसी सिंगल एंटिटी के किसी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया ये पेन है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये पेन कैसा है, ये पेन लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, व्हाइट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस पेन इज लॉन्ग, शॉर्ट, डीप, व्हाइट, किसी भी चीज में इस एक सिंगल पेन की अगर किसी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम किस में रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है। कंपैरेटिव में क्या होता है, हम एक की कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं, ये एक पेन ले लिया मैंने, एक दूसरा पेन ले लिया मैंने, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि दिस, ये जो पेन है ये इस वाले पेन से ज्यादा लंबा है, तो दिस पेन इज लॉन्गर देन दिस पेन, मैं बोल रही हूँ ये वाला पेन जो है इस पेन से ज्यादा मोटा है, तो मैं बोलूंगी दिस पेन इज थिकर देन दिस पेन, ठीक है, तो लंबाई मोटाई ज्यादा के रूप में जब हम दो के बीच कंपैरिजन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फिर आता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में क्या होता है, हम जब किसी एक की कंपैरिजन सबसे करते हैं, ठीक है, यहाँ मौजूद जितने भी पेन है सबको लेके आया जाए, सबकी लंबाई नापी जाए, और उसके बाद जब ये पाया जाए कि ये सबसे लंबा है, इनकी इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द लॉन्गेस्ट पेन इन द क्लास। द लॉन्गेस्ट हमने कह दिया, कब बताया, जब हम इसकी कंपैरिजन सबके साथ किए, तो जब हम एक की कंपैरिजन सबके साथ करते हैं तब जो बनता है जो डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे होता क्या बोलेंगे अपन, गुड, एक सिंगल है तो गुड, कंपैरेटिव में बेटर देन बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, सैड सैडर सैडेस्ट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, वाइड वाइडर वाइडेस्ट, थिक थिकर थिकेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, स्लिम स्लिमर स्लिमेस्ट, ब्यूटिफुल मोर ब्यूटिफुल मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, ब्यूटिफुल कुछ कुछ जगहों पे मोर एंड मोस्ट भी लगाया जाता है, मोर ब्यूटिफुल एंड मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है, एक्सपेंसिव मोर एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है, तो इन सब से क्या हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, कोई भी एडजेक्टिव को हम लोग तीन फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं, जब हम किसी की एक इंडिविजुअल सिंगल एंटिटी सिंगल क्वालिटी को बता रहे हैं तो क्या बन रहा है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जब हम किसी एक की कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहे हैं तो बन रहा है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर जब हम किसी एक की कंपैरिजन सबसे कर रहे हैं तो वन विथ ऑल दिस इज सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक जो ट्रिक मैं बता दूं आपको, जब भी कभी हम कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स यूज करते हैं वी जनरली यूज अ कंजंक्शन दैन विद देम, नॉट देन, टी एच ए एन देन, टी एच ई एन देन नहीं होगा, टी एच ई एन देन टाइम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं अपन, ठीक है, तो टी एच ए एन हम बोल रहे हैं लॉन्गर देन, शॉर्टर देन, ठीक है, सॉफ्टर देन। अच्छा, सुपरलेटिव के साथ में आर्टिकल द यूज होता है, जैसे मैंने बोला द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ठीक है, तो द लॉन्गेस्ट हम किसके साथ यूज कर रहे हैं, सुपरलेटिव के साथ में, क्योंकि यूनिक है, आर्टिकल्स में भी हम यही पढ़ते हैं, कोई भी चीज जब यूनिक होती है, स्पेशल होती है, वन ऑफ इट्स ओन काइंड होती है, तब हम उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, मतलब कि द, तब हम आर्टिकल द लगाते हैं। अब आर्टिकल द लग रहा है सुपरलेटिव का मतलब ही है जब सबसे अलग रख दिया हमने उसको, राइट, तो ये था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, इसी को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब, इस पे अभी हम लोगों ने चर्चा कर ही ली, व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज वर्ड्स दैट डिनोट एक्शन और स्टेट ऑफ एनी एक्शन, ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं तो इस पे बहुत ज्यादा इस पे चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब,
नेक्स्ट है एडवर्ब हिंदी में। अच्छा हिंदी तो इसकी बता ही सकते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी? वर्ब को हम क्या बोल देते हैं? क्रिया। और एडवर्ब, एडवर्ब को हम क्या बोल देते हैं? क्रिया विशेषण। एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करता है? ये किसी भी क्रिया की विशेषता को बताता है, दैट मीन्स नाउन, सॉरी वर्ब की विशेषता को बताता है। लेकिन न केवल वर्ब बल्कि किसी दूसरे एडजेक्टिव और एडवर्ब की भी विशेषता को बताता है। कैसे? देखो मैं बता रही हूँ कैसे। मैंने लिखा एक कार, बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी आपकी स्पेशल वाली कार। अब मैंने पूछा ये कार क्या है? ये कार है ना, कैसी कार? मैंने कह दिया व्हाइट कार, अ व्हाइट कार। कैसे कह कार? अ व्हाइट कार, एक सफेद कार है। क्या होता है कार के साथ में? अब हमने कह दिया कार रन्स, अ व्हाइट कार रन्स, ये हो गया हमारा वर्ब। कार चलती है, कैसी कार? व्हाइट कार। तो ये व्हाइट क्या हो गया? इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला वर्ड हो गया, कार की विशेषता को बता रहा है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब हमने कहा है कि कार चलती है, कैसे चलती है? फास्ट चलती है। कार कैसे चलती है? फास्ट चलती है। तो ये वाला जो वर्ड है वो इस वर्ब के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब फास्ट तो चलती है, कितनी फास्ट? कितनी फास्ट में क्या बोलेंगे हम? वेरी फास्ट। तो ये अगेन क्या हो गया? एडवर्ब। अब ये जो वेरी वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ? ये इस फास्ट के लिए यूज हुआ है कि कितनी फास्ट। फास्ट तो है लेकिन कितनी फास्ट है, ठीक है। तो ये तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये जो एडवर्ब है ये न केवल वर्ब को क्वालिफाई करती है बल्कि एक एडजेक्टिव या एडवर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करती है, सिवाय नाउन सबको क्वालिफाई कर देगी। नाउन के लिए एडजेक्टिव के पास चले जाना, ठीक है। एडजेक्टिव के पास जाओगे ना वर्ब लेकर के कि मेरा वर्ब क्वालिफाई कर दो, बोलेगा काउंटर नंबर 4, एडवर्ब के पास चले जाओ, वो बताएगा आपको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब, अच्छा हाँ मैं यहाँ पे आपको क्या बता दूं, एडवर्ब में जितने भी ly एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो बेसिकली एडवर्ब होते हैं, ठीक है। स्लोली, स्मार्टली, क्लेवरली, सॉफ्टली, कनिंगली, एक्साइटिंगली, ठीक है, एक्सीडेंटली, सारे के सारे ly एंडिंग वर्ड्स आपके एडवर्ब होते हैं जो किसी न किसी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज होते हैं, ओके। नेक्स्ट प्रेपोजिशन, इस पर तो अपने को डिटेल में चर्चा करनी ही है, ठीक है। बट देख लेते हैं क्या है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस आर दी वर्ड्स, देखो इसका प्रेपोजिशन जो बना है वो बना है प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, पोजिशन का मतलब होता है इसका खुद का पोजिशन। तो इसका खुद का पोजिशन आता है पहले, किसके पहले? इसका खुद का पोजिशन आता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। और काम क्या करता है ये? किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज हो करके उस नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के बाकी के वर्ड्स के साथ में रिलेशन बताता है, कनेक्शन बताता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा इससे एक और दूसरा शब्द क्या समझ में आया? प्रेपोजिशन वर्ड्स के मतलब क्या बोल रहा है? प्रेपोजिशन पहले आता है नाउन और प्रोनाउन के। दैट सिंपली मींस दैट अ प्रेपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिकी काम करेगी अगर हम लोग फिलप्स वगैरह बनाएंगे तब। ये एरर में आपको देखना होगा कि प्रेपोजिशन यूज हुआ है तो इसका नेक्स्ट वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन तो नहीं है, अगर नहीं है तो एरर है, अगर है तो ठीक है, ठीक है। तो इस पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। व्हाट आर कंजंक्शंस? कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन डिफरेंट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस, ठीक है। दो वर्ड को जोड़ना हो, दो फ्रेजेस को जोड़ना हो, दो क्लॉजेस को जोड़ना हो, किसी भी सेलेक्ट को जोड़ना हो, फेविकॉल डिपार्टमेंट है ये, ठीक है। जोड़ने का काम कंजंक्शन का, ठीक है। बहुत सारे आपको वर्ड्स पता ही होंगे कैसे कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तीन टाइप के कंजंक्शंस होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव। किसको कहाँ यूज करना है बस उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। इसको भी अलग से अपन पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये भी अलग से मेंशन है। देन लास्ट वन, लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन क्या है? These are the words that are used to express sudden feelings and emotion. The words that are used to express sudden feelings and emotions are called as interjection. जैसे ठीक है खुशी, जैसे मैं खुश हूँ, आप खुश, हम खुश, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, तो खुश है या दुखी है? ठीक है, किसी ने आपको डांट दिया तो दुखी, पढ़ाई नहीं हुआ तो दुखी, तो वो दुख है आपको, तो आपको किसी भी चीज का दुख है, आपको किसी भी चीज की खुशी है, खुशी या दुख, तो वो नॉर्मल सा है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए, आप मैच देख रहे हो, आपकी फेवरेट टीम लास्ट मोमेंट पे अच्छे से जीत जाए, कितनी बड़ी खुशी हो जाती है। ठीक है, सुबह उठो आपको अपनी फेवरेट डिश मिल जाए, कितनी अच्छी से खुशी होती है। तो खुशी में अचानक से तुरंत इमीडिएट खुशी होती है तो क्या निकलता है मुंह से? हुर्रे। ठीक है, और आप कहीं जा रहे हो और आपको आप बहुत सुंदर सी कोई ड्रेस दिख जाए, बहुत अच्छा आपको पसंद आए, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? वाओ। तो जो वाओ हुर्रे ये निकला, ये क्या बता रहा है? ये वो सडन एक्सप्रेशन बता रहा है जब आप खुश हुए, जो आपके अंदर इमोशंस चल रहे थे उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया, एंड दोज वर्ड्स आर कॉल्ड एज इंटरजेक्शंस, दोज वर्ड आर कॉल्ड एज इंटरजेक्शन। ठीक है, तो देखो ये तो हुए वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और होता है, उसको वैसे तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं काउंट करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि उसको अलग से यूजेज बोला गया, उसको अलग से पढ़ते हैं अलग टॉपिक में, आर्टिकल्स। अब देखो ये आर्टिकल्स क्या काम करते हैं, ये आर्टिकल्स वैसे तो नाउन एंड प्रोनाउन के साथ ही यूज होते हैं, बेसिकली नाउन ही नॉट अ प्रोनाउन, नाउन के साथ यूज होते हैं, और क्या करते हैं वो ये बताते हैं कि कोई भी नाउन निश्चित है या अनिश्चित है। तो किसी भी नाउन की निश्चितता को बताना वो भी तो उसकी क्वालिटी है। तो अगर हम बोलें कि पार्ट ऑफ स्पीच में, तो ये आर्टिकल वही काम करता है जो कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। सेम वर्क इट डज लाइक दैट ऑफ द एडजेक्टिव। ठीक है, तो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच में रखने जाएंगे तो एडजेक्टिव की तरह काम करता है, लेकिन क्योंकि अलग से पूछा जाता है, अलग से पढ़ते हैं, तो अब कुछ कुछ क्या बोलना चाहिए इंग्लिश मैन लोगों के लिए, कुछ इंग्लिश ग्रामरिस्ट के नजरों में अब उसको भी एक पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट कर लिया जा रहा है। ठीक है, तो नो मैटर व्हाट, हमसे कोई ये तो नहीं पूछने वाला है कि कितने हैं पार्ट ऑफ स्पीच, यू हैव टू नो इट। ठीक है, तो ए एंड द कब यूज करते हैं? जब कोई भी चीज अनिश्चित हो और सिंगल हो तो हम ए या एन यूज करते हैं। अब कोई भी चीज स्पेसिफिक हो, पता हो हमें किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यूज करते हैं द का। ठीक है, तो इसके भी यूसेज पे हम लोग आगे चल के चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखे। अभी लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हो गया। ठीक है, इसको पहले तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग देख देख के बोल दोगे। इसमें यहाँ से सबको हटा देते हैं अपन। हाँ चलो, आप बताओ क्या क्या है ये। पहला द क्या है? आर्टिकल। बॉय नाउ। येल वर्ब, येल मतलब चिल्लाना। ठीक है, हेल इंटरजेक्शन, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको बता दे रहा है। एंड कंजंक्शन, ही प्रोनाउन, सॉ वर्ब, ए आर्टिकल, ब्रेव एडजेक्टिव, डॉग नाउन, क्विकली एडवर्ब, रन वर्ब, टू प्रेपोजिशन, द आर्टिकल, रेस्क्यू। तो देखो हम लोगों ने ये पहचाना कि एक जो सेंटेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बना है। ये ए है, ए डी मत समझ लेना, दिस इज आर्टिकल, ए एंड द। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर के बने हुए हैं। इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे चल के आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना है, उस पर देखना है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नाउन से शुरुआत करेंगे, पढ़ के आना, नाउन पढ़ेंगे, नाउन को पढ़ के आना। ओके।